अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हुरूफ़ तहजी पढ़ाने वाली हूँ, तो आइए आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अलिफ 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 मद आ अलिफ मदा, बे बे के नीचे एक नुक्ता, बे के नीचे एक नुक्ता, बे के बाद आता है पे, पे पे के नीचे तीन नुक्ते, पे के बाद आ गया ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते के बाद आता है टे, टे के ऊपर छोटी तोएं, टे के ऊपर छोटी तोएं, से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते, से के बाद आ गया जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता, जीम के अंदर एक नुक्ता, जीम के बाद आता है चे, चे चे के अंदर तीन नुक्ते, चे के बाद हे खाली होता है, हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता, और हे के बाद क्या आता है? खे जीम चे हे खे। अब आ गया दाल, दाल दाल के बाद डाल, डाल के ऊपर छोटी तोएं, डाल के ऊपर छोटी तोएं, और डाल के बाद क्या आता है? डाल के बाद आता है जाल, जाल और जाल के बाद रे, रे। तो ये हैं हुरूफ़ तहजी अलिफ से लेके रे तक। आइए अब हम इसकी लिखाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अलिफ, अलिफ मद आ, बे, बे के नीचे एक नुक्ता बना दिया, फिर लिखेंगे पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे के बाद ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, और ते के बाद क्या आता है? टे, टे के ऊपर छोटी तोएं, टे के ऊपर छोटी तोएं, टे के बाद से के ऊपर तीन नुक्ते, से के बाद आ गया जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता, और जीम के बाद आता है चे, चे के अंदर तीन नुक्ते, और चे के बाद आता है हे खाली होता है, और हे के बाद आता है खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के बाद दाल, दाल के बाद डाल, और डाल के बाद क्या आता है? जाल, जाल के बाद आता है रे, रे। अब आपको अपनी कॉपी में इसी तरह से अलिफ से लेकर रे तक की लिखाई करनी है, और इसकी पिक्चर मुझे ज़रूर भेजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।